हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के स्टूडियो में सीखेंगे कि जो कॉलम की साइज होती है कैसे पता करेंगे। तो जो कॉलम की साइज होती है वो डिपेंड करती है उस पर आने वाले अल्टीमेट लोड पे और उसमें कौन से ग्रेड्स के मटेरियल यूज है, उन दोनों पे जो कॉलम की साइज डिपेंड करती है। तो इस स्टूडियो में जो आपको मेथड बताऊंगा उस मेथड की आप कोई भी कॉलम हो, चाहे स्क्वायर हो, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हो, उनकी साइज आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। जिस कॉलम की साइज हमको पता करनी है उस पर जो आने वाला अल्टीमेट लोड है वो कितना है, 2500 किलो न्यूटन। और उसमें कौन से ग्रेड्स के मटेरियल यूज़ किए, M20 ग्रेड का कंक्रीट और Fe415 ग्रेड का स्टील यूज़ किया है। अब उसके बाद क्या हमको पता होना चाहिए, जो हमारा कॉलम है उसका ग्रॉस एरिया। तो जो ग्रॉस एरिया होता है किस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ स्टील पे और एरिया ऑफ कंक्रीट पे। लेकिन हमारे पास दोनों ही अवेलेबल नहीं है, एरिया ऑफ स्टील भी और एरिया ऑफ कंक्रीट भी, लेकिन अकॉर्डिंग टू IS कोड। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था जो एरिया ऑफ स्टील होता है कॉलम के लिए उसके ग्रॉस एरिया का 0.8% से 6% के बीच लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू IS कोड। तो हमने एज्यूम किया जो हमारा एरिया ऑफ स्टील कितना 1% ऑफ ग्रॉस एरिया का है। अब हमारे पास एरिया ऑफ स्टील अवेलेबल है तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ कंक्रीट। तो अगर 1% एरिया ऑफ स्टील है तो 99% कंक्रीट का एरिया हो जाएगा उस ग्रॉस एरिया का। तो जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है और एरिया ऑफ कंक्रीट है, एक इसके फॉर्म में आ गए ग्रॉस एरिया के फॉर्म में। अब इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया किससे कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करते हैं ये वाले फार्मूले की हेल्प से। तो ये वाला फार्मूला आपको देखने मिल जाएगा IS 456 में पेज नंबर 71 पे क्लाउज 39.3 पे। तो ये फार्मूले में हम वैल्यू पुट अप करेंगे। तो ये फार्मूले में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, PU क्या हमारा अल्टीमेट लोड। तो अल्टीमेट लोड हमारा कितना 2500 किलो न्यूटन, तो उसको हम चेंज करेंगे न्यूटन में। देन 0.4 FCK क्या है, कैरेक्टर की स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो हमारे पास जो कॉन्क्रीट उसका ग्रेड क्या है M20, तो उसकी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ क्या हो गई 20 N/mm². देन नेक्स्ट AC क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। तो हमने एरिया ऑफ कॉन्क्रीट को किस में लेंगे, हम AG के फॉर्म में। तो हमारा एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कितना है 99% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट अप की 0.99 AG, परसेंट हटा के 0.99 हो गया। देन FY क्या हमारा स्टील की कैरेक्टर की स्ट्रेंथ। तो स्टील हमने कौन सा ग्रेड का यूज़ किया, Fe415। तो जो इसकी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ है वो क्या है, 415 N/mm². देन उसी तरह AC क्या है, एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील हमारा क्या है 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो 1% को हमने चेंज किया था तो 0.01 AG आ गया। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप की। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमको ग्रॉस एरिया मिल गया। तो ग्रॉस एरिया हमारा कितना है, ये आ गया हमारा ग्रॉस एरिया। अब हमारे पास ग्रॉस एरिया अवेलेबल है, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं साइड्स। तो हमने एज्यूम किया जो हमारा कॉलम है कौन सा, स्क्वायर कॉलम है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इसकी वजह से हमको मिल जाएगा। तो जो ग्रॉस एरिया है उससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा स्क्वायर कॉलम की साइज। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A² उसके साइड्स का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे उसकी साइड का स्क्वायर पुट अप किया तो हमको एक साइड मिल जाएगी, लेकिन जो उसकी चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है। और अगर इसकी प्लेस पे हमको सर्कुलर कॉलम की साइज पता करनी होती तो हम यहाँ पे सर्कल का एरिया यूज़ करते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, 5/4D². उसी तरह हम रेक्टेंगुलर कॉलम की साइज पता कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल का एरिया यूज़ करते हैं, तो उससे हमको कॉलम की साइज पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप की तो हमको मिल जाएगा तो हमको एक साइड की मिली 486.20 mm। तो जब भी आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी, हमको वैल्यू हमेशा राउंड फिगर में लेके चलना है। तो जो हमारा कॉलम की साइज आएगी वो कितनी आएगी, 490 mm × 490 mm। तो ये आगे हमारा कॉलम की साइज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हमको राउंड फिगर में लेना था तो यहाँ पे 485 क्यों नहीं लिया। अगर हम 485 लेते तो उसका जो हमारा ग्रॉस एरिया होता वो कम हो जाता, क्योंकि जो इतना लोड इस जो कॉलम पे इतना लोड आ रहा है उसको बियर करने के लिए हमको मिनिमम इतना एरिया चाहिए, हमको मिनिमम इतना एरिया लेके डिजाइन करना है हमारा कॉलम, इससे हम कम ले नहीं सकते, इसलिए हमने 485 नहीं लिया। तो जब भी आप राउंड फिगर करो तो आपको वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही लेनी, उससे कम आप ले नहीं सकते। अगर हम ज़्यादा लेके चलेंगे तो जो हमारा कॉलम है इससे ज़्यादा अगर लोड भी आएगा तो उसको भी बियर कर सकता, फेल नहीं होगा अगेंस्ट लोड पे। तो इसी टाइप से हम कॉलम की साइज पता करते हैं। अगर इसकी जगह सर्कल होता है या रेक्टेंगुलर कॉलम होता तो यहाँ पे आपको इजीली आपको सर्कल और रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके आप उसकी साइज पता कर सकते थे। तो इसी टाइप से हम किसी भी कॉलम में उसकी साइज पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।